क्या कुछ उद्देश्य है इस यात्रा के पीछे? उद्देश्य सिर्फ यही है कि शहीदों का सम्मान हो जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए सीने पे गोलियां खाई हैं, तो उनके सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी शहीदों का सम्मान करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाल रही है। रेवाड़ी शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा में लहराए आज हजारों तिरंगे। भाजपा नेता सुनील मुसेपुर की अध्यक्षता में निकाली गई रेवाड़ी में तिरंगा यात्रा। देश की आज़ादी के लिए जिन वीर शहीदों ने अपने प्राणों को त्याग दिया था, आज उन्हीं की बदौलत हम आज़ाद होकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं। काफ़ी लोगों ने आज इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। इस अवसर पर यात्रा के मेन संयोजक वीर कुमार यादव, हारको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव, जिला अध्यक्ष हुकमचंद, भाजपा प्रदेश की सह प्रवक्ता वंदना पोपली सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर शहीदों के सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तिरंगा यात्रा 3 दिन तय हुई है। 9 तारीख को कल बावन विधानसभा की तिरंगा यात्रा हो चुकी है। शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा आज रेवाड़ी में है और 14 तारीख को कोसली विधानसभा में है। ये हमारा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है। शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना, शहीदों के प्रति सम्मान करना, शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि देना, पुष्पांजलि देना, शहीद परिवारों से मिलकर उनको देश के प्रति जो उनके भाई बेटे जो जिन्होंने बलिदान दिया उनके प्रति कृतज्ञता प्रदान करना, ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर ये तय किया है। 1 से 15 अगस्त तक ये यात्राएं अलग अलग विधानसभा में अलग अलग जिलों में चलेंगी। तो आज रेवाड़ी विधानसभा की, इस विधानसभा के संयोजक हमारे सुनील मुसेपुर जी हैं, बावड़ के हमारे मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल जी, कोसली के हमारे विधायक लक्ष्मण जी और जिला अध्यक्ष ओंती होल सारा, इनके नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आज ये जो यात्रा है केवल रेवाड़ी विधानसभा की है। यहाँ से चल के और हम भड़वास गेट जिनसे होते हुए मोती चौक और फिर पुरानी तहसील, फिर भैरू चौक, उसके बाद हारोड़ा चुंगी होते हुए रेजांगला जो है शहीद स्मारक पर पहुंचकर वहां हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और यात्रा का समापन करेंगे। और ये राव तुरारा पार्क की यात्रा प्रारंभ की है हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, सुनील जी हैं, हम सब हमारे पूर्व मंत्री जसवंत जी हैं, बाकी सब कार्यकर्ता यहाँ। यात्रा में हमें बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये पूरे विश्व में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये रेवाड़ी जिले में भी शहीदी तिरंगा यात्रा के नाम से इसका बावल में, कोसली में और रेवाड़ी में तीनों विधानसभाओं में हमारी ये यात्रा निकल रही है। इसमें बहुत ही जोर शोर से हमारी बहनें, युवा, वृद्ध, जवान सब इसमें लगे हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम शहीदों को बार बार नाम लेते रहे, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद, जय भारत। शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा जो है पूरे जिले में हमारे जिला अध्यक्ष श्री हुकमचंद जी की अध्यक्षता के अंदर निकल रही है। इसके जिले के संयोजक बाबू वीर कुमार यादव जी और रेवाड़ी विधानसभा के सुनील मुसेपुर जी इसको देख रहे हैं। हम पूरे मंडल से प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे शहीदों का सम्मान हम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। ये जो हमारी सम्मान यात्रा है तुलाराम चौक से होती हुई हमारी नई सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी, घंटेश्वर मंदिर, उधर पुरानी अनाज मंडी से होती हुई भैरू चौक होती हुई रेजांगला स्मारक तक जाएगी। और हम प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छी से अच्छी हो। इसके अंदर कोई पार्टी का चिन्ह नहीं मिलेगा आपको, इसके अंदर सिर्फ तिरंगा दिखाई देगा, शहीदों का सम्मान दिखाई देगा। और रेवाड़ी मंडल भी इसके अंदर बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहा है और बाकी सब के सब इस यात्रा में अच्छे से लगे हुए हैं।